हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो का जो है ना टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है। गाइस आज मैं करने जा रहा हूँ एक स्टोरी टाइम। गाइस ये मेरी लाइफ का ना फर्स्ट स्टोरी टाइम है जो मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो गाइस बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ इस स्टोरी टाइम में वो है बकरा ईद की। जी हाँ गाइस, आज से 2 साल पहले की बात है कि बकरा ईद पे मैं अपने बाबा और अपने चाचा के साथ नमाज़ पढ़ने जा रहा था। एंड जहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था ना, वहाँ का रास्ता कुछ ऐसा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गन पड़ा हुआ था साइडों पर, मतलब गन नहीं था, कुछ छोटे छोटे रैपर्स पड़े हुए थे एंड वहाँ पे कुछ शीशा भी था। तो मैं सीधा जा रहा था, मेरा पैर जो है ना वो शीशे के साथ टच हो गया एंड मेरी एकदम से मुझे थोड़ा कुछ फील हुआ कि मेरी जो स्लीपर है ना वो थोड़ी सी गीली हो गई है। अब मैंने नीचे अपनी स्लीपर की तरफ देखा एंड मुझे कुछ नहीं नज़र आया, तो आई थॉट सो कि वाटर हो गया या कुछ और होगा एंड मैं आगे मूव ऑन करता गया। एंड जब मैं जानेमाज़ पे अपनी स्लीपर उतार के खड़ा हुआ, ठीक है, मैंने नियत बांधी, जब मैं नीचे अपने फुट्स की तरफ देखा तो गाइस जितनी बड़ी जानेमाज़ थी ना, आधी जानेमाज़ उसमें से फुल खून से भर गई। ओह माय गॉड, वाओ, मेरे फुट पे जो कट लगा था ना उसके, उससे इतना ज़्यादा खून बह रहा था, वो इतना बड़ा और गहरा कट लगा था ना कि बहुत ज़्यादा उससे खून बह रहा था, मतलब फुल आधी जानेमाज़ ना उससे खून से गीली हो गई थी। अब राइट साइड में मेरा खड़ा था गंजी डांड और लेफ्ट साइड पे खड़े थे मेरा छोटा भाई बिलाल, मतलब दो पागलों के बीच में मैं खड़ा हुआ था। गजब बेइज्जती है। और उसके लेफ्ट साइड में मेरे बाबा थे, बिलाल के लेफ्ट साइड पे ना। तो अब गंजी डांड ने नमाज के बीच में मुझे देख लिया कि मेरे पैर पे आसपास ना कुछ रेड रेड है, तो वो जब गंजा होता है ना उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, अपना दिमाग दुकान में छोड़ के आता है जहाँ से गंजा होता है। तो उसे देखा, उसको लगा पेंट होगा, जबकि उसको नजर आ रहा है कि भैर है, फिर कैसे पेंट होगा, पर छोड़े उसे। अब लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ है मेरा बिलाल, अब उसको पहले बिल्कुल पता नहीं चला, जब लेकिन वो सेकंड रुकू में गया ना तो उसने मेरे पैर की तरफ देखा कि मेरा पैर जो है ना वो थोड़ा रेड रेड हुआ, उससे खून बह रहा है। अब वो हो गया परेशान, यहाँ पे उसने नमाज खत्म की है और मैंने उससे पहले बोल दिया कि बाबा को ना बोलना ये बात। और इस आदमी ने मैंने जैसे ही इसे बोला कि बाबा को ये बात मत बोलना, उसी वक्त बाबा को बता दिया कि बाबा इसके पैर में चोट लगी। अब मैं इसलिए उसको बाबा को बताने से मना कर रहा था ना, क्योंकि देखिए मेरे बाबा हैं बहुत अच्छे, मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते, बट मुझे बचपन से ना बाबा ने कहा, मतलब मेरा एक हैंगिंग रॉड होता था जिस पर मैं लटकता था ना, तो उस पर जब मैं लटकता था ना, बाबा कहते थे कि वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर मैं गिर गया ना तो बहुत जोर की लग सकती है मुझे, तो पापा कहते हैं अगर गिर गया ना तो पहले मैं उठाऊंगा और जूते मारूंगा, उसके बाद मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। तो बचपन से उन्होंने बात बोल बोल के ना एक डर लगा दिया था, और वो दिल से वो बात ही खत्म कर दी थी कि अगर कोई चोट लगे तो मैं बाबा को जाके बताऊं। तो मैं मम्मा को बता देता था, और कभी कभी पैर पे चोट लगती थी और सही से चल नहीं पा रहा होता तो बाबा को कहते बस कुछ नहीं हुआ, ऐसी लग गई। उनको नहीं बताने का दिल करता था क्योंकि उन्होंने बचपन से वो ऐसा डरा दिया था ना। तो अभी मेन टॉपिक ये नहीं है, मैं इस वजह से बाबा को ये बात नहीं बता रहा था कि मुझे चोट लगी। एंड दूसरी बात ये है कि मैं उनकी ईद ख़राब नहीं करना चाहता था, कि ईद के दिन खुशी से हम सब नमाज़ पढ़ने आए, गले मिल रहे हैं एक दूसरे से, एंड वहाँ पर मैं बताऊँ कि मेरे पैर पर रख गई है, एंड उनको ईद की नमाज़ छोड़ के घर आना पड़ता, बट पैर में मेरे हो रहा था बहुत ही ज़्यादा दर्द। इस मुझे ये समझ नहीं आई बात कि मैंने जब अपने भाई को मना किया कि ना बताओ तो उसी वक्त उसने बाबा को ये बात बता दी। खैर बाबा उठे, बाबा ने कुछ नहीं कहा मुझे, मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वो ऐसी डराने के लिए कहते थे कि बच्चा ना इस तरह का लटके, क्योंकि लगने का डर है ना बाबा, फिक्र बहुत ज़्यादा। बाबा को बताई ना ये बात, तो बाबा एकदम से मुझे देखा, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार किया सर पे एंड जाना शुरू हो गया ना। तो मेरे बाबा इतने परेशान हो गए कि रास्ते जितने जाते जाते उस जगह पे जितने भी शीशे पड़े उतने एक एक उठा के साइड पे रख रहे थे, उनको इतना बुरा लगा था कि मुझे चोट लग गई ना, वो मतलब एक एक शीशा जितना रास्ते में आ रहा था उसको पैर से साइड पे कर रहे थे कि मेरे बच्चे को लग गई किसी और को ना लग जाए ना, उनको मेरी बहुत फिक्र थी। अब मैं चाहता था कि ना मेरे बाबा की ईद खराब हो ना मेरे मामू की ना, तो मेरे से इतना ज़्यादा खून बहने के बाद चला नहीं जा रहा था, मेरे पैर में बिल्कुल दर्द हो रहा था। लेकिन अब बाबा मुझे देख रहे हैं कि चला जा रहे हैं कि उन्होंने पूछा, मैंने बोला ठीक है सही चला जा रहा है, तो वो इतने ज़्यादा दर्द में भी ना मुझे सही चलना पड़ रहा था। और ये यहाँ से जो जहाँ पे उस बार हम लोग नमाज़ पढ़ने गए थे वो इतने ही दूर थी ना, एंड हर साल हम लोग जाते हैं गाड़ी में ना क्योंकि गर्मी होती है, लेकिन उस दिन मौसम अच्छा था, हमने कहा कि क्यों ना पैदल चले, और मेरे साथ ये हो गया। तकरीबन हर बकरा ईद पे ना मेरे साथ ऐसा ना ऐसा कोई वाकया ज़रूर होता है कि मुझे लग जाए, छोटी मोटी लगती है, लेकिन इस बार ना इतना खून बह गया था कि मेरा, कि मैंने कभी ज़िंदगी में एक साथ इतना खून नहीं देखा ना।
तो मैं नहीं चाहता कि मैं उन लोगों की ईद खराब करूं, तो मैं सीधा चल के आ रहा हूं जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। बट इतना दर्द हो रहा, इतना चलने में मुझे तकलीफ हो रही कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। जिस मुश्किल से मैं घर तक आया हूं ना, मुझे साथ साथ दिखाना भी पड़ रहा था कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं है, चलने में मसला नहीं हो रहा, बट बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं घर आया हूँ, मैंने मम्मा को दिखाया, उन्होंने थोड़ा सा ठीक किया है ना, मतलब पट्टी वट्टी बांध दी, पर वो बाद में उन्होंने वो जानेवाज भी धो दी, बस सब कुछ ठीक हो गया। बट सारा टाइम ना मैं चल नहीं पा रहा था, ठीक है। लेकिन देखिए, मेरे साथ ऐसा सीन है ना कि मैं बहुत बड़ा एनिमल लवर हूँ, मुझे एनिमल्स बहुत पसंद हैं। तो बकरे मेरे घर पे आए थे, मैंने उनके साथ 4-5 दिन खेला, तो मुझे उनके साथ एक आदत हो गई थी, आई वॉज यूज टू देम। तो आदत की वजह से जब उनके कट मेरे से चल नहीं जा रहा था, लेकिन उनकी जब कटने की बारी आई ना, ऐसे भागते हुए मैं गया हूँ उनके पास कि मुझे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और मेरी एक आदत है जो मैं बताना नहीं चाहता था कि मैं कभी YouTube पे बताऊंगा, बट मैं बता रहा हूँ ये बात अपने फर्स्ट स्टोरी टाइम में कि मैं एनिमल लवर हूँ इस वजह से शायद, और मैं उनके साथ यूज टू हो जाता हूँ। हर बकरे ईद पे ना, जब मेरे बकरे कटने होते हैं ना, मेरे आंखों में मैं हर ईद पे फैसला करता हूँ कि मैं इस साल नहीं रोऊंगा, बट मेरी आंखों से खुद ही आंसू आ जाते हैं। मतलब रोक नहीं पाता मैं अपने आंसू यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब बकरे मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, और ऐसा लगता है कि उनको कोई काट रहे तो बुरा लगता है यार, अपनी फैमिली वाले को काट रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? मैं बहुत कोशिश करता था, मैं रोता भी नहीं था, लेकिन खुद ही आंसू टपकते थे, मतलब हंस रहा होता था शक्ल से, लेकिन आंसू खुद ही आ रहे होते। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बस वो बकरे कटे उसमें उस दिन, और मैं ज्यादा चल नहीं पाया, इधर उधर भाग नहीं पाया, नहीं तो हम लोग बहुत खेलते इधर उधर जाते थे हर बकरे ईद पे। तो ऐसी गुजरी मेरी ईद, एंड यूजुअली हर ईद पे मेरे साथ ऐसा होता है, एंड आई होप कि इस ईद पे मेरे साथ कुछ भी ऐसा ना हो कि मुझे कोई चोट वोट लगे। एंड गाइस, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, अल्लाह करे आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे, आपके साथ इस तरह का कोई वाकया ना हो, एंड आपकी पूरी जितनी भी फैमिली में जितनी भी लोग हैं वो सारे खुश। ऑन दिस नोट, आज के स्टोरी टाइम में इतना ही। अगर आपको मेरा फर्स्ट स्टोरी टाइम पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जाके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड साथ साथ शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके तक आए। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।